हालांकि आज बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं, 3-4 कंपनियां हैं, उस पर जरा फटाफट नज़र डालते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसके बाद से चर्चा शुरू करते हैं। ट्रांस प्रोडक्ट पे खबर यहाँ पर ये आई है कि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कंपनी में करीब 3.25% हिस्सा खरीदा है और ये हिस्सा खरीद करीब 530 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए हैं, 17.4 लाख शेयर। और आज हम देख रहे हैं काफ़ी सकारात्मक रुख जो है देखने को मिल रहा है शेयर में, कुल 99.22 करोड़ रुपये में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और इसके चलते आज हम 3% से ज़्यादा का मूव जो है सुबह देखने को मिल रहा था। सर अभी आप कैसे देख रहे हैं सर टारसन प्रोडक्ट्स को, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी क्या राय रहेगी? अभी भी 2.5-3% ऊपर है, क्या सलाह रहेगी सर? देखिए टेक्निकली विपुल जी डेफिनेटली ट्रैक करते हैं क्योंकि काफी पोजीशंस क्लाइंट्स की भी रहती है। ओवरऑल स्टॉक अभी भी साइडवाइज है विपुल जी, कोई बड़ा मूवमेंट बुलिश नजर नहीं आ रहा है। 510 का इमीडिएट सपोर्ट है, 510 का अगर किसी ने बाई किया है ऊपर के लेवल पे भी या फिर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो 510 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 5 से 6% दूर है पर स्टॉप लॉस वही बैठता है क्योंकि आजकल तो विपुल जी आपको पता है मिड कैप में अगर फॉल आता है तो 5 से 10% इजिली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, तो 5-10 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 580 से 600 के आसपास आ रहा है, अगर 600 का लेवल देखने को मिलता है अगर नीचे के लेवल पर बाई किया है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए क्योंकि एक बाउंस ड्यू है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो 600 तक एक बाउंस आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए इस बीच अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं और ये है प्राविज लिमिटेड के नाम से एक कंपनी लिस्टेड है सर, और आज जिस पर खबर आई है और खबर ये आई है कि कंपनी ने जो है सेगमेंट फ्लैगशिप ग्रोथ टू फंड ने कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा है और उस हिस्सा जो है करीब 480.50 रुपये के भाव पर 2.25 लाख कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं और आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, करीब 10% की तेज़ी यहां पर देखने को मिल रही है, अभी भी 529 के आसपास चल रहा है। अगर आप ट्रैक करते हो सर तो क्या सलाह रहेगी? आज शानदार मूव है, अगर पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 23% के आसपास का मूव देखने को मिला है और एक साल में 124% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, आपकी राय सर? अभी पूरी ट्रैक तो वैसे तो नहीं करता पर क्योंकि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, मोस्टली एडवर्टाइजमेंट या इवेंट्स जो होते हैं उनमें एडवर्टाइजिंग का एक काम करते हैं। स्टॉक डीएससी में लिस्टेड है, ओवरऑल मुझे लग रहा है ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है क्योंकि आज बड़ी न्यूज के ऊपर स्टॉक चल रहा है तो ऊपर पे 580-600 तक आसपास का नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है, ऊपर में 600 तक अब तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी ने बाय करके रखा है तो होल्ड करें, 580-600 आता है तो एक बार का अपना प्रॉफिट बुक करके निकल तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आते हुए। चलिए अगली स्क्रीन पे कंपनी लेकर के आइए, वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ में अब देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, आज बैंकिंग शेयरों की पिटाई हो रही है फिर भी ये शेयर चल रहा है। सोमवार को शेयर में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद से लगातार तेजी है। सोमवार को आपको बता दें वॉल्यूम भी जो है वो एक महीने के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला था। एक महीने में शेयर ने 50% और 6 महीने में 100% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर दिया है। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रैली यहाँ शेयर में देखने को मिल रही है, सुबह से ही तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। सर ओवरऑल बैंकिंग पे आपकी राय और ख़ासतौर से इंडियन ओवरसीज़ बैंक में क्या करना चाहिए सर? काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है यहाँ पर अभी भी। विपुल जी पहला साइन वीकनेस का नजर आ रहा है, अगर आप छोटे पीएसयू बैंक्स भी छोड़ दें तो अगर बड़े पीएसयू बैंक्स भी देखें तो एसबीआई, कैनरा बैंक सभी में आज वीकनेस नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा बहुत रैली और देखने को मिलेगा पर चूंकि हो सकता है जो अटेंशन चल रही है कुछ न्यूज फ्लो की वजह से ग्लोबल मार्केट्स वीकनेस है, इसलिए जहां जहां मोमेंट आया वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पर जहां तक आईओबी की बात है, आईओबी की करंटली पे खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी क्लियरली क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है 40-41, इसके आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक आता है तो वो अच्छे लेवल्स होंगे अगेन आई डाउन करने के लिए। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या आज के लिए लिया है तो 42 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 42 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में और 1 से 2 रुपए की गिरावट आ सकती है, तो नई खरीदारी की राय नहीं है, 40-41 आता है तो देन एक फ्रेश री एंट्री कर सकते हैं।